हेलो एवरीवन, सी शार्प डॉट नेट के इस लेक्चर में हम एरेज इन सी शार्प डिस्कस करेंगे। सी शार्प में अगर हम एरे को डिफाइन करें तो जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है, एन एरे इज फाइनाइट कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा आइटम्स दैट रिक्वायर्स कंटिगुअस स्पेस इन मेमोरी। मेमोरी में कंटिगुअस एलोकेशन होता है जो कि सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट्स को फिक्स नंबर में स्टोर कर सकती है। मतलब अगर मैंने बोला कि 5 का एरे बनाया है तो उसमें 5 एलिमेंट ही स्टोर होंगे, 10 का है तो 10 ही। तो सी शार्प में एरे डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सिंटैक्स, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर डेटा टाइप के बाद हम ब्रैकेट बनाते हैं एरे का, फिर एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप और फिर ब्रैकेट में साइज। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस सिंटैक्स को फॉलो करें तो इस तरह से मैं एरे बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक इंटीजर का एरे बनाना था साइज 5 का, तो ये एक इंटीजर एरे है 5 साइज का, मतलब जिसमें हम 5 इंटीजर रख सकते हैं। तो हमने लिखा int ब्रैकेट a इज इक्वल टू न्यू int 5, तो a नाम का एक एरे बन जाएगा जिसमें 5 इंटीजर को रखने की जगह बन जाएगी और ये 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स हो जाएगा। तो जैसे सी में रखते हैं a का 0 इज इक्वल टू 3, 1 ऑफ a इज इक्वल टू 15, 2 ऑफ a इज इक्वल टू 34, 3 ऑफ a इज इक्वल टू 12 एंड 4 ऑफ a इज इक्वल टू 45, ऐसा इसमें स्टोर हो गया। फिर मैंने सबको प्रिंट करा दिया। सी शार्प में एरे की एक खास बात होती है कि अगर आप एरे का नाम डॉट लेंथ लिखते हो तो एरे का साइज आ जाता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा ना a डॉट लेंथ, तो a डॉट लेंथ मींस व्हाट, एरे का साइज मतलब 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ मतलब i लेस देन 5, i प्लस प्लस, फिर ये राइट कर देगा सभी एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो मैंने एक एरे बनाया है, उस एरे में 5 इंटीजर स्टोर कराया है और उन सबको प्रिंट करा दिया है। तो इसको रन करा के देखते हैं। तो मेरे प्रोग्राम ने एक एरे बनाया है 5 इंटीजर का ए नाम का और उसमें वैल्यू स्टोर कराई है और उनको प्रिंट कराया है। देखिए तो जब आई 0 होगा तो ए का 0 प्रिंट होगा, आई 1 होगा तो ए का 1 प्रिंट होगा, आई 2 होगा तो ए का 2, आई 3 होगा तो ए का 3, आई 4 होगा तो ए का 4, आई 5 होगा तो ए का 5 प्रिंट होगा, सॉरी आई 4 होगा तो ए का 4 प्रिंट होगा और आई 5 होगा तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा, i इज इक्वल टू 5 पे लूप रुक जाएगा। देखिए ये मेरा आउटपुट रहा, 5 एलिमेंट्स थे प्रिंट हो गए। अब मैं इसमें एक एग्जांपल और ले लिया हूं, जो एग्जांपल है मेरा इसको नीचे तक देख लीजिए कितने ब्रैकेट बंद है। ठीक है, तो ये हमारा मेन बंद है, ये हमारा क्लास बंद है, ये हमारा नेम स्पेस बंद है। एक एग्जांपल मैंने और लिया है, इसको आप देख लीजिए, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने वाला। तो बस ये एक्सरसाइज के लिए, बाकी आप एरे पढ़ना यहाँ पर हमारा मोटो नहीं है, हम लोग इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जीयूआई और जो भी सिलेबस वाला है पार्ट वो कवर करेंगे। हालांकि ये भी है सिलेबस में, बट इसको हम लोग क्विकली फिनिश करेंगे। देखिए, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इंटीजर एरे। तो हमने एक इंटीजर एरे बनाया पहले, आई एन टी इज इक्वल टू न्यू आई एन टी 10, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर 0 नंबर्स कॉमा ए डॉट लेंथ। तो जहां पर ब्रैकेट में 0 है वहां पर ए डॉट लेंथ प्रिंट हो जाएगा, यानी लिख के क्या आएगा, एंटर 10 नंबर्स। ओके, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, तो 0 से 9 तक चलेगा और पहली बारी में जो कंसोल डॉट रीड लाइन से आप वैल्यू लेंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर ए के 0 में आ जाएगी। अगली बार जो आप वैल्यू लेंगे ए के 1 में, फिर ए के 2 में, ए के 3 में, तो इस तरह से ए के जितने भी ब्लॉक हैं सब में एलिमेंट आ जाएंगे। फिर हमने लिखा आई एन टी मैक्स इज इक्वल टू ए का 0, जैसे आप ये मैक्सिमम निकालने की लॉजिक है। फिर आई इज इक्वल टू 0 से लेके ए डॉट लेंथ तक चलेगा, लेस देन ए डॉट लेंथ तक चलेगा और जो भी ए का आई मैक्स से बड़ा होगा उसको मैक्स में असाइन करते रहेंगे और फाइनली लूप से बाहर आके मैक्स को प्रिंट करा देंगे। ओके, तो इसको हम रन करा के देख रहे हैं, मेरा प्रोग्राम चलेगा, 10 नंबर्स मांगेगा, बोला एंटर 10 नंबर्स, मैंने 10 नंबर्स डाल दिए। मैंने 10 रैंडम नंबर्स मैंने डाल दिए और ये हमारा प्रोग्राम लार्ज इज 91। ओके, तो हमारा प्रोग्राम 10 नंबर लेके लार्ज नंबर प्रिंट करेगा। तो अब अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट समझने के लिए हमको फंक्शन और उसके टाइप समझना जरूरी है। तो इसको नीचे तक देख लें कितने ब्रैकेट बंद है। ओके,
इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।